हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये देखिए, आज हम बनाएंगे पानी बतासा। बतासा हमने एक पैकेट हम ये ख़रीद कर लाए हैं 30 रुपए का। ये येलो वाला हम ख़रीदे हैं, रेड वाला नहीं। रेड वाला बतासा वो फूलता नहीं है अच्छे से। आप भी जब भी मार्केट से लाएं तो ये येलो वाला ही ख़रीद कर लाएं, ये बहुत अच्छा फूलता है। और रेड वाला लाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। ये हमने चटनी, हरी धनिया, लहसुन, मिर्चियाँ के पीस लिया। ये इमली का पल्प हमने बनाया है, 10 रुपए का इमली ले आए थे उसका बनाया। ये मटर हमने लिए, इसको उबाल लिया था, देखिए उबले हुए मटर। ये हम भरेंगे बतासे में। ये हमने जलजीरा का पैकेट और एक पैकेट चाट मसाला। जलजीरा का पैकेट हमने 3 पैकेट लिया है और एक पैकेट हमने चाट मसाला लिया है। प्याज 2 बारीक काट लिए, धनिया, काला नमक, नींबू। तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम बतासे डाल देंगे, 7-8 एक साथ अब डालकर अच्छे से इसको तल लें। ये वाले आप बतासे लेंगे, थोड़े से लंबे हैं। एक 30 रुपए का पैकेट में टोटल 90 या 95 बतासे रहते हैं। ये वाले सस्ते भी रहते हैं तो हम एक पैकेट ले लेते हैं। अच्छे से हल्का ब्राउन तल लेंगे। देखिए, ये सभी बतासे अच्छे से फूल गए हैं। दूसरा भी हम ऐसे ही तल लेंगे। कि दूसरा भी तल लिया, ऐसे ही सभी बतासे हम तल लेंगे। ये देखिए, सभी बतासे हमने तल लिए, एक भी बतासा पिचका नहीं है, सभी फूले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब ये वाला ही बतासा खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा फूलेगा। तो चलिए अब हम पानी बनाना शुरू करते हैं। बर्तन ले लिया हमने, ये एक जग पानी लिया है। आधा जग पानी और लिया हमने, टोटल 1.5 जग का पानी हम बनाएंगे। 95 बतासे के लिए इतना ही पानी बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे हरी चटनी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। हम 1.5 चम्मच चटनी डाल रहे हैं। अब इसमें हम ये इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प आप 1 बड़ा चम्मच डालें। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो 1.5 डालें। हम 1 बड़ा चम्मच डाल दिए हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे, पूरा 1 पैकेट। एकदम नाप कर हम बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही बनाइए। अब इसमें हम जलजीरा का पैकेट डाल देंगे। ये जलजीरा का पैकेट 1 रुपये का मिलता है। हम 3 पैकेट डाल रहे हैं। दूसरा पैकेट हमने डाल दिया, ये 3 पैकेट टोटल हमने डाल दिया है। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, 2 चम्मच छोटा, 2 चम्मच छोटा यानी 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे। नमक आपको पहले थोड़ा ही डालना है क्योंकि चाट मसाला और जलजीरा में नमक होता है, तो इसलिए हमने पहले थोड़ा ही नमक डाला है। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे, नींबू का रस। इमली का पल्प हमने 1 चम्मच डाला है तो 1 नींबू हम डाल देंगे। अब हम इसमें सादा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा, 1/2 छोटी चम्मच डालना है आपको। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे।
ये देखिए चटपटा खट्टा पानी तीखा, थोड़ा सा हमने धनिया डाल दिया है। अगर आपके पास बूंदी है तो आप बूंदी भी इसमें डाल सकते हैं। हमारा पानी बनकर तैयार हो गया है। अभी हमने मटर लिया है उबले हुए, अब इसको तैयार करेंगे हम मैसर से। इसको थोड़ा मैश करना है आपको, ज़्यादा मैश नहीं करना है। ये देखिए इतना मैश करना है आपको, थोड़ा सा खड़ा रहना चाहिए। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, अगर आप चाहे तो पापड़ी भी डाल सकते हैं। जो बतासे हैं उसको एक दो आप तोड़ सकते हैं, तो इसमें हम पापड़ी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सभी बतासे फूले में एक भी पिचका नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। हम इसको सादा ही रखेंगे और भी कुछ ऐड नहीं करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अब एक बतासा हम आपको भरकर दिखाते हैं। थोड़ा सा मटर लेंगे, अब इसमें हम पानी डालेंगे, चटपटा पानी। बतासा खाइए।